कौन है तू? कौन है? बहुत तूफानी हवा है आज, ऐसा लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है। पहाड़ निकला सफेद चूहा, वो भी इतना सा। क्या है रे डपड़े? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बे डरावा सीधे बोल, क्या नहीं हो सकता? आप आ गए मालिक, बहुत देर लगा दी आने में। मालिक? कौन मालिक? अबे मैं क्या बोल रहा बुढ़ाऊ? बुढ़ा हूँ तेरा बाप, मेरी उम्र ही क्या है? सही बोल रहे चीजा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। अरे मैं क्या बोल रहा, मेरी साइकिल के टायर पंचर हो गए थे, बाहर बहुत तूफानी हवा चल रही थी, तो मैं यहाँ थोड़ा सा पना लेने के वास्ते आ गया, एक डेढ़ घंटे में चले आऊंगा। ऐसा ही हुआ था 200 साल पहले। 200 साल पहले क्या हुआ था चीजा? तुम्हारे घोड़े के टायर पंचर हो गए थे। फिर क्या हुआ चीचा? फिर आप घोड़ा छोड़ के चल गए थे, फिर आप कभी वापस ना आए, और जब आएगी तो साइकिल लेके, वो भी पंचर। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मालिक? कौन मालिक? किसका मालिक? मैं किसका मालिक हूँ लिखने? अरे मालिक, आप तो कुछ भी आदमी नहीं, कुछ भी आदमी रखो हमें, और चलो मेरे साथ। चलो मालिक, ये देखो मालिक, ये भी आपको है, आगे चलो मेरे साथ। देखो ये भी तुम्हारे है, देखो मालिक ये भी आपको है। क्या ये भी? हाँ चलो आ जाओ, ये देखो ये भी आपको है। कुछ याद आया? वो छोड़ो, ये गाना सुनो। No!
अभी सीधे एक गाना बजाना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला सुनो, फाइनल वाला। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, मालिक, ओ मालिक, कुछ याद आया? हाँ, याद आया। क्या मालिक? ये गाना करण अर्जुन का है। ओ माँ का। दे 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 ये क्या लफड़ा है? उनका आने का टाइम हो गया। किसका आने का टाइम हो गया? उसका ही। किसका? तुम्हारी आइटम को। मेरी आइटम? हमारा आइटम। ना जाने कितने सालों से इस हवेली में अटक रही है और तुम्हारा फोटो देखते रहती है। मेरा फोटो? हाँ, तुम्हारा फोटो। वो देखो। हाँ, कहाँ है मेरा फोटो? ओ चीचा, तुम तो बोले मेरा फोटो देखते रहते। अरे वो ही तो बोला मालिक, क्या मालूम कहाँ रखी फोटो, वो तो पूरी हवेली में देखते रहती। दिमाग खराब कर दिए यार। वैसे ये आइटम है कौन? वो जिससे तुमने वादा करे थे कि सरकारी ऑफिस जाकर एक घंटे में वापस आते, और तुम घंटा वापस आए। जाओ जाओ, आपका प्यार आपको बुला रहा है। तूने भी मेरे को रिकाह में वाता में लगा दिया। पता नहीं बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं जा रहा। जाओ जाओ, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार दो तो सालों से कर रही है। हाँ? तो भाग, मैं नहीं जा रहा। क्यों? अबे 200 साल से इंतजार कर रही, तो बुढ़ी हो गई होगी वो। नहीं, वो अभी भी टनाटन है। तो फिर तो मैं तो पक्का जा रहा। नहीं जा रहा, मैं आ रहा। तो फिर मैं जा रहा। चंदा राधा के।
प्राणनाथ, आपने आने में कितना वक्त लगा दिया। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। आपने एक घंटे में आने का बोलकर 200 साल लगा दिए। माना सरकारी काम में बहुत वक्त लगता है, पर इतना? सॉरी डार्लिंग, गुस्सा थूक दो। कहाँ पर जी? तुम्हारे मुंह पर। जानू, एक नजर मुझे देखो तो सही। नहीं। एक बार नहीं। मुझसे क्यों शर्मा रहे? मुझे शर्म आती है जी। देखो ना बाबा। नहीं। देख लो ना। नहीं। देखो तो सही। तुम कौन हो? मुझे तो लगा मेरे प्राणनाथ आ गए, और तुम तो रजनीकांत निकले। जरा मेरी आंखों से देखो, मैं ही तुम्हारा प्राणनाथ हूँ। मैंने तो सुना था सबर का फल बहुत ही मीठा होता है, मोटा भी होता है। oh, no! पहली बार पता चला। यह बताओ कि तुम्हें इतने दिनों से मेरी याद नहीं आई। मुझे तुमसे थे कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले। बोलो, इतने दिन क्या किया? तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। तेरा नाम लिया। क्या कर रहे हो जी? वायर बीच में आ रही है। तेरा नाम लिया। पकड़ देख मैं। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। चलो भाई, प्रोग्राम खत्म। कैसा लगा डार्लिंग मेरा गाना? बहुत ही बढ़िया। तो फिर मेरा इनाम? इनाम नाम छोड़ो, पहले ये बताओ मेरा तोहफा कहाँ गया? सॉरी डार्लिंग, मैं भूल गया, मगर ये तो बताओ मैं क्या लाने वाला था? चूड़ियाँ। सॉरी बोला ना, गाली क्यों दे रही? नहीं नहीं, मैं गाली नहीं दे रही, मैं कह रही मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ कहाँ था जी? ओ, बैंगल्स। हाँ। सॉरी डार्लिंग, भूल गया मैं, नाराज मत हो, इसके बाद लेके आऊंगा। मुझे तेरे हाथों का नाप तो ले लेने दे। नहीं नहीं जी, मुझे शर्म आती है। शर्मारी की छीकरी। डार्लिंग, वैसे नाराज मत हो, मैं अब कभी तुझे छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा। ये कैसी आवाज? तुम वहां नहीं, यहां देखो। कौन है ये? मेरी सौतन। सौतन? हाँ, वो भी तुम्हारा 200 साल से इंतजार कर रही है। रोज इसी समय आ जाती है। अभी तुमको उसने देख लिया तो चाहेगी ही नहीं, पर मैं भी आज फैसला करके ही रहूंगी। अरे मेरे बाप, ये कहाँ गई?